हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो इसी ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी करते हुए प्रदेश में 20,629 पोलिंग बूथ बनाए हैं। यह अहम जानकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने दी है। आपको बता दें, चुनावों के मतदान के दौरान प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में 2,03,27,631 वोटर हैं, जिनमें अगर बात करें लिंग आधारित वोटरों की तो 1,08,19,021 पुरुष, 95,08,155 महिलाएं और थर्ड जेंडर 455 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर बात करें उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने की, तो नामांकन पत्र 12 सितंबर 2024 तक भरे जा सकते हैं। 13 सितंबर 2024 को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई अपना नामांकन वापस लेना चाहे तो 16 सितंबर 2024 तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 27 अगस्त 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मतदान की तारीख की, तो प्रदेश में मतदान 1 अक्टूबर और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जो कि 40 लाख रुपए तक रहेगी। वहीं उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। प्रिय दर्शकों, हरियाणा में चल रही चुनावी हलचल से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सुरक्षा जल्द वापस लौटूंगी लेकर बड़ी खबर। बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।